अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग करते हैं आगाज़। अच्छा जी, मेरी हालत देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं आज क्या काम कर रहा हूँ। एक तो ये बात है, दूसरी बात ये है कि जब तक अपने हाथ से काम नहीं किया जाए, मैं समझता हूँ वो कुछ ना कुछ बंदे की सोच के मुताबिक फिर भी नहीं होता, बंदा जितना भी कहे। तो बाहर कुछ चीज़ें जो कलर किया था दीवारों को, लेकिन कुछ जगह से वो रह गया था, ठीक है। तो वहाँ फिर मैंने ब्रश पकड़ा और ब्रश पकड़ने के बाद मैं खुद शुरू हो गया। तो मैं कोई भी काम होता है मैं नफरत नहीं करता, मैं शौक से करता हूँ। वो अगर मिस्त्री लगे हों तो उनके साथ लग जाता हूँ, कलर वाले हैं तो उनके साथ लग गया। और इसके साथ साथ है कि मैं सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर लेता हूँ और करने भी आते हैं, सारे कर लेता हूँ तो मैं साथ में लगा हूँ। आज आया था एक भाई कलर वाला, तो टाइम बड़ा कम था क्योंकि हमने शादी की तैयारियां करनी है। तो मैं कहता हूँ जल्दी जल्दी ये सारे काम खत्म हो, मैं घर को अच्छे से साफ करके एक दफ़ा फाइनल लुक आपको दिखा दूँ, होम डेकोर आपको दे दूँ, और उसके बाद फिर जो है ना शादी के ये दिन भी करीब आ रहे हैं। आप हमारी हालत देख सकते हैं कि लगता ही नहीं है कि शादी वाला घर होगा और शादी वाले हैं। काम काम तो खैर आपको लगता ही है, शादी वाले काम तो इसी तरह होते हैं घर से पहले, लेकिन हमारी हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी है फिलहाल। आज मेरी हर हालत में कोशिश है कि मैं काम ख़त्म करवा के जल्दी जल्दी जो है ना भाई को छुट्टी दूं और हम अपने काम की तरफ आएं। फिर तो चलें जी व्लॉग देखें, आज काफ़ी काम किए हैं, आपको व्लॉग देख के मज़ा आएगा। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारी इस प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को हमेशा खुश रखे जो हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अम्मी जी एक दफ़ा मैं पोछी मार दें इतों, फिर मैं थोड़ा ना सारा कर देना, फिर ना इतों कर दें पोची हमारी। ठीक है, बाकी रख लेना, फिर बाद चवा मारांगे, फिर पैर लग जाने उत्ते। वो तो फिर खाला कटता मैं जरूर भाई तो वो तो खाल कटता। हाँ नहीं करवा। हाँ जी रखिए बिस्तर, चलो चादर लिया। हाँ जी नारे अम्मी जी, वो तो भाई तो कह रहे थे मैं बॉर्डर लगवाना नीचे, भाई आवाज़ से कह रहे थे मैं बॉर्डर लगवाना, फिर ये तो चीज़ा चुक लूँ इस कमरे च भी कहते लगाना। हाँ जी वो कहते मैं दोनों कमरिया च लगवाना। हाँ जी मैं वही कह रहा फिर बॉर्डर लगवाना, तो फिर यह मैं कह मैं हूँ कहना भी नीचे नीचे मैं भी कहना बॉर्डर लग जाए अम्मी जी। हाँ देखो ना दूसरा कलर होएगा ना। हाँ जी फिर खराब नहीं होएगा, जिथे सहमा आता वा ना पानी लगता रहता है उतना खराब होने लग पाता। वो कलर लिया के देना पैना वा ब्लैक, मैं भाई बास नूं कहना तुसीं रख दिओ इहनूं खिंच लांगे थोड़ा जिहा अगे, कोई मसला नहीं एडा। हाँ जी हाँ जी बस खिंच लांगे थोड़ा जिहा अगे, तुसीं कर रख लो। मैं चलो आओ बिस्तर रखिए, आजो 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 चुको अपना बिस्तर, जल्दी करो काम कराओ अपने अम्मी ना। शाबाश रजाइया परे करा भाई बस में चार पाई रख लीजिए कि चार पाइया ने अही नीचे रखनिया। अच्छा वाह 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 बीबी आजो 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 अल्लाह थोड़ी जिंदगी करे। अच्छा हाँ रखो तुसी, तो मैं भाई आवास बुला रहा फिर मैं उधरों होया वा, नाले मैं उन्होंने पूछ आवा बॉर्डर का। हाँ जी
अच्छा जी, ये सारा सामान इधर रख दिया है। अगर बॉर्डर लगवाना हुआ तो भाई अब्बास ने ठीक है, अगर नहीं लगवाना हुआ तो उनकी मर्जी। अच्छा जी, ये देखें, ये सारा मैंने कलर उतार दिया इस पे से, इसमें से। ठीक है, अभी रहता है थोड़ा बहुत जो करने वाला वो मैं कर देता हूँ, उसके बाद जस्ट पानी इस पे फेंकना मैंने, ठीक है ना, फिर सारे काम क्लियर। ठीक हो गया जी, इस पे जो दूसरा कलर है ना टीयर गार्डर वाला, वो बस उतारने लगा हूँ मैं, बाकी सारा उतार दिया। भाई बाहर तो कह रहा था उतरना ही नहीं, मैंने कहा नहीं, पेट्रोल के साथ या मिट्टी के तेल के साथ उतर जाएगा, तो लेकिन ये पानी फेंका तो इस पे पॉलिश लगी हुई है ना, पत्थर पे रगड़ाई हुई हुई है, सीमेंट नहीं है तो ये उतर जाता है इस पे। हाँ जी, मेरा कमरा छोना लगता हूँ है। अच्छा जी, वन राज होकर बैठी है, खड़ी है मेरे साथ, कह रही है कि चाचू ये बल्ब मुझे उतार के दें, मैंने लेके जाना। मैंने कहा अच्छा ले जाना, मुझे पता है इन्होंने तोड़ देना। मैंने एक बार इन्हें चला के दिखा दिया कि बिजली के बिना भी ये किस तरह चलता है, तो अब ये जिद कर रहे हैं कि हमें दे दें। इन्होंने एक मिनट में तोड़ के रख देना है सारा। हाँ जी, तुम तोड़ देना, मुझे पता। बा ये अच्छा जी, ये मुंह देखें बना के खड़ी, गुस्सा है मेरा सोना, मेरा शहजादा, मेरा तोता, मैं तुम्हें दोनों जो किनू दवा। हाँ जी, ये बात तेनों थोन दवा या मोई थोन दे, मैं हूँ दोनों ही नहीं फिर देना। मोइज ना करो ना। हाँ जी, वो बाहर गड्डी आ गई कह दी, हो इटा आ गई। अच्छा मैं दिना हूँ, तुम अपने कमरे चला लियो दोनों, हैं ठीक है, ठीक है। अच्छा फिर आ गई। हाँ जी, उच्चा दसो, उच्चा बोलो, की करना मेरे सोने ने? दे जूंगे। अच्छा फिर एक प्यारी सी मैंने बफी पाओ। बल्ले बल्ले, चलो चलो भी आ जाओ, बच्चों तुम्हें दिया जी। अभी हम लोग बल्ब उतारने लगे हैं, हूँ देख, हूँ देख, वो मेरा कमरा सोना लगता मनु है ना, रहन दे मेरे कमरे, तू मेरे को सुन जा कर, मेरी चार पाई आ देख, गड्डी सुन, मैं चार पाई रखी है। क्यों नहीं? अच्छा वादा करो, कैदी बेटी है, मैं अल्लाह लिख दवा ऊपर, ठीक हो गया, हूँ वादा हो गया। खराब हो जाएगा, चलना नहीं। पप्पा के अपने कमरे चला दे, पप्पा आंदा बल्ट लाना, पप्पा दौड़ के जा, पप्पा के पापा जी कमरे चला दो। अच्छा जी, बच्चे खुश तो हम भी खुश, मैंने इसीलिए उतार के इन्हें दिखाया था ताकि ये मुझसे मांगे, मुझे प्यार से ना मुझसे मांगी, इस वजह से मैं इन्हें तंग कर रहा था ज़्यादा, तो वैसे मेरे लाडले हैं दोनों, ये बहुत ज़्यादा लाडली है मेरी। अच्छा जी, अभी पंखा लगाना है अम्मी जी के रूम में, ये सामान हमने ऑलरेडी पहले रख दिया हुआ था, अभी रखना है इधर, पंखा लगाना है तो पंखा लगाते हैं। ठीक है, अम्मी जी के रूम की जो छत है ना, ये बहुत क्लियर निकली है, मुझे बहुत प्यारी लगी है, बाकी रूम में से ज़्यादा जो है ना ये है। तो भाई अब्बास के असल में ना काफ़ी बहन भाई कह रहे थे कि भाई आपने भाई अब्बास का दो रूम बोला था। जी बिल्कुल, रूम इस तरह से बोला था, एक रूम में भाई अब्बास का सामान वगैरह आ जाएगा, कुछ रूम में अम्मी जी का सामान, और उनके साथ हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये दो रूम भाई अब्बास उनको, एक ये रूम भाई अब्बास का सबसे बड़ा रूम है ये, ठीक है, मैं आपको वाइड एंगल से दिखाता हूँ। ये देखें भाई अब्बास का यहाँ से लेके यहाँ तक रूम है, ठीक है, उनका इधर हम सामान एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद इधर कुछ स्पेस बच जाएगी, और यह होगी जो भी हमारे मेहमान आते हैं उनके लिए,
और उसके बाद इस रूम में आपको दिखाया है इतना सामान पड़ा है, ठीक है। और ये बचता है एक रूम मेरा, ठीक है। और इसके अलावा फिर ये मैंने ड्राइंग रूम के तौर पे मैं इसे इस्तेमाल करूँगा, इस तरह का मैं कुछ बनाऊँगा इसमें, ठीक है। और ये इतना सामान है। तो फिर मुझे आप ख़ुद बताएं, अम्मी जी कहाँ जाएँ, अप्पू जी कहाँ जाएँ, मैं कहाँ जाऊँ? तो हम अपने रूम के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं, तो मेहरबानी करके, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझें। और हम लोग जिस तरह एडजस्ट हो रहा है हम लोग कर रहे हैं, इंशाल्लाह मेरा घर बन जाए उसके बाद फिर थोड़ी स्पेस बन जाएगी, फिर इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। क्योंकि ये रूम भी फिर खाली हो जाएगा, अम्मी जी इस रूम में आ जाएंगी मेरे वाले में, और ये फिर फ्री हो जाएंगे। इस तरह एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग। अभी मैं पंखा लेके आता हूँ, पंखा लगाते हैं, आपको भी दिखाता हूँ फिर मैं सारा। ये रहा पंखा, साफ़ करके मैंने रखा हुआ था ऑलरेडी, अब इसे लगाते हैं फिर। ये मोइज के काम है सारे, इसने इसके साथ जो है ना इसे, और निकल गया शहजादिया। हाँ जी, मैं कह ये ना वो मोई जी ने पंगे लेने का इन्हें पार्किंग के कर देते ना, फिर ये मसला बनेगा। तो मैं कह ये ना ऐसा काम करो, मैं तो वास रात ही गया था, मैं कह ला के काम निबेड़ पर इन्हें ना, भाई ये बस बिजी है ना, अपनी वो तो टाइम लग गया था, फिर क्या पेटी उ अंदर उन्होंने खिंच देनी बस इदा ही। हाँ, बर्तन तो ड्रमी आटे वाली ड्रमी भी गब्बे कर देनी है, दूसरी ड्रमी बहर कढ़ देनी है, तो फट्टे वाली चीज़ा क्डने पैनिया। पीस कस लैके आंदा दूसरा, टूटे हो जा, टूटे हो जा। तारा ला दो बस, चक टंग हो गए, बस पेच घास उधर ले आना, सेट कर देगा।